हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 18 जो कि है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब प्रेयर। तो हम जब सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं यानी कि प्रेयर करते हैं, जो आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर एक हिंदी की प्रार्थना दी गई है जो कि कुछ इस तरह से है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। यानी कि जिसने क्या है, सूरज चांद बनाया, तो किसने बनाया, ईश्वर ने, भगवान ने। जिसने तारों को चमकाया, तो किसने चमकाया, सूरज और तारों को चमकाने वाला कौन है, ईश्वर, भगवान। जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को क्या है, महकाया। यानी फूल क्या है, हमको हर वक्त एक खुशी का संदेश देती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें से खुशबू आती है, वो महकता रहता है और साथ में क्या है, खिले खिले जैसे हंस रहे हो, इस प्रकार से हमको लगता है। इसलिए कौन वो कर रहा है, भगवान। जिसने चिड़ियों को चहकाया, अब जो चिड़िया चहक रही है तो वो भी भगवान की देन है। तो वो क्या है कि भगवान की देन है, तो उस तरह से क्या है, ये चिड़ियों को चहकाने की बात कर रहे हैं। जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया। यानी क्या है, जिसने सारा क्या है, जगत बनाया है। यानी ये दुनिया किसने बनाई है, भगवान ने, ईश्वर ने। तो ये क्या है, हमारे लिए जो क्या है, जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया। अब जिसने क्या है हमारी जो रची काया, यानी हमको किसने बनाया है, भगवान ने, ईश्वर ने। उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से सिर झुकाए। यानी उस ईश्वर को सदा मनाए, यानी ईश्वर को क्या है, हमेशा हमें पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कभी भी कोई अच्छा काम करता है हमारे लिए, तो उसे हम थैंक यू बोलते हैं ना। उसी तरह से ईश्वर ने जो हमें इतनी अच्छी जीवन दी है, जिंदगी जी है, दिए हमको, उसके लिए हमें ईश्वर को क्या है, हमेशा मनाना चाहिए। उनके सामने हमें प्रेम से यानी कि प्यार से अपना सिर झुकाना चाहिए। तो ये था आपका कविता प्रार्थना। अब है इसका एक्सरसाइज, तो आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि कैसे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। यानी आपको ऊपर जो लिखा है सूरज, उसको नीचे लिखना है सूरज, लेकिन अपने सुंदर अक्षरों में। यानी क्या है, एक अच्छे सुंदर अक्षरों में आप नीचे सूरज, जिसने, चांद, चमकाया, महकाया, फिर ईश्वर, फूल, प्यार, शीश झुकाए, ये। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, उसमें क्या है लिखा है, समझो और वृत्त। यानी कि जो राउंड किया हुआ है सर्कल, घेरे में घेरो। तो क्या है, जो जैसे राउंड किया है उसको क्या है, जो शब्द, यानी जो शब्द दिए गए हैं उसको हमको क्या है, जो घेरे के अंदर उसको घेर लेना है। अंडरस्टैंड एंड सर्कल, यानी समझो और अपना गोल वर्तुल करो। तो पहले आप देख सकते हैं र है, तो सूरज के अंदर र बीच में है, इसलिए र में किया गया है। रवि के अंदर पहले है, तो पहले किया गया है। ईश्वर के अंदर बाद में है, तो बाद में किया गया है। उसी तरह से दूसरा जो है उसमें म है, तो प्रेम में सेकंड नंबर म है। फिर सेकंड नंबर में मनाया में पहले है, महकाया में पहले है। तो इसी तरह से समझ के आपको करना है। थर्ड नंबर का है पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तारे चमकते हैं, उसको अपने सुंदर अक्षरों में आपको सामने की तरफ लिखना है। तो ये था आपका 18 चैप्टर यानी कि प्रार्थना, प्रेयर। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।